खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शरीर गीत कट गए, कलेजे में कटार दड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। नमस्कार, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। जिंदगी से आज तक कौन जीता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में अपने काम से अपने समर्पण से कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मौत को मात देने जैसा है। ऐसी शख्सियत लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसी ही शख्सियत है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि वो अपने चाहने वालों के दिलों में तो राज करते ही थे, लेकिन उनके विरोधी भी उनका सम्मान करना नहीं भूले। अटल जी अपने विचारों, अपने भाषणों और राजनीतिक जीवन की अपनी उपलब्धियों और अपनी कविताओं से आज भी और हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी का छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में गहरा रुझान रहा। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी कवि होने के साथ साथ अध्यापक भी थे। माँ कृष्ण देवी घरेलू महिला थी। अटल जी ने स्कूली और कॉलेज की शिक्षा ग्वालियर से की। राजनीति विज्ञान में एमए करने के बाद वाजपेयी कानपुर विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वाजपेयी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जेल भी गए। राजनीति में आने से पहले वाजपेयी ने थोड़े वक्त के लिए पत्रकारिता भी की। इस दौरान राष्ट्रीय धर्म, पंचजन्य, वीर अर्जुन और स्वदेश जैसी पत्रिका में संपादक रहे। उनकी वाद कला का ही जादू था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार संसद में बोलते वाजपेयी को सुना और कहा कि इस लड़के की जीवा पर माँ सरस्वती विराजमान है। वाजपेयी में देश का भविष्य देखते हुए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता का ऐलान किया और ऐसा हुआ भी। वाजपेयी ने एक बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, बोर्ड पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द ही उनका जीवन दर्शन बन गए। समाज का ऐसा कोई कोना नहीं जिसको अटल जी ने अपने शब्दों से नहीं छुआ। उनकी हर एक कविता आने वाली पीढ़ियों तक न सिर्फ उनके विचारों को पहुंचाएगी बल्कि समसामयिक बनी रहेगी। नमस्कार।